वेरी वार्म वेलकम आपके अपने शो स्वैगी स्टार्स पर, जहां पर हम करते हैं आप ही के कुछ फेवरेट स्टार से स्वैग और चिल भरी बातें और दिखाते हैं आपको उनकी एक अलग ही साइड। तो चलिए करते हैं शुरुआत मेरे यानी कल्याणी वढेरा के साथ। एक हफ्ते तो अपनी लड़ाई चल दी नहीं हो रुक होया याद वाणी आई कल दी ताही मैसेज मैं करता दोबारा वे मिस यू इना सारा की जाने तेनू नी मैं किन्ना चाहना राजा सोनिए नी तेनू प्यार बड़ा करदा केड़ी चंडीगढ़ विच लाउणी बंद करती हो दसो फेर की बणू फेर की बणू केड़ी सिट कोने विच लाउणी बंद करती हो दसो फेर की बणू। तो आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो जितने प्यारे दिखते हैं, उनकी जितनी प्यारी आवाज है, उतने ही प्यारे सॉन्ग्स उन्होंने हम सभी के लिए रिलीज भी किए हैं। जी मैं बात कर रही हूँ नवजीत की। हेलो सर। सत श्री अकाल जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगी, आपको कांग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी जो आपका अभी अभी सॉन्ग रिलीज हुआ मिस यू एना सारा लेटेस्ट सॉन्ग आपका। हां जी, हां जी। उसको इतने व्यूज मिले, इतना प्यार मिला, हाउ यू फील? बहुत बढ़िया लगता है जी, जो असि कोई काम करते हैं ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ये आपका आई थिंक ऐसा सॉन्ग है जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। है ना 4.7 मिलियन व्यूज। हाँ जी, अभी जो मैंने लास्ट चेक किए। चल रहे हैं, मतलब चल रहे पे हैं। अच्छा अच्छा, इस सॉन्ग के बारे में आप क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ ऐसी क्या सोच के ये सॉन्ग चूज किया या फिर कुछ ऐसी चीज जो बहुत स्पेशल रही इस सॉन्ग में? स्पेशल कुछ नहीं, बस ये गाना आई थिंक 13 February नू रिलीज किया आपां ते गाना बनया 6 February नू। ਸ਼ੇਰਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਲਿਖ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਲਿਖ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਫਟਰ 3 days ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਬਣਿਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ, 6-7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ऐसे सॉन्ग सुना और ऐसे आपको लगा कि ये सॉन्ग फाइनल होगा, क्योंकि आपको एक पॉजिटिवनेस दिख जाती है गाने में कि ये चलेगा ही चलेगा। हाँ, मतलब वो चीज़ हुई। हाँ जी, देश रही सी पॉजिटिविटी, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं गाना असी बनाया है बोर नहीं हुई सी, सुनी गया मैं क्या वधिया चीज़ है ना। ऑब्वियसली जो कोई रिलेशनशिप चलता मिस तो करता है, जरूरी नहीं रिलेशनशिप में असं मिस करते, असं फैमिली भी मिस करते हैं ना। तो मैं वधिया लग्या गाना, मैं क्या यही करते हैं। असं पहले असं ऑडियो रिलीज़ करना सी, फिर असं इहदा वीडियो प्लैन कर लिया। अच्छा, तो जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट वीडियो है ना, तो उसका आइडिया किसका था? वो डायरेक्टर जड़े बनी सिंह, उन्होंने ही किया। अच्छा, तो आपका बीच में कुछ नहीं था कि अब मेरी वीडियो गाना इस टाइप का है तो वीडियो इस टाइप की रखना? ऐसा ना कुछ नहीं सी। हाँ, सारे की ओपीनियंस होंगे ने बिच, है ना। तो कुछ कुछ सके जिदा जो भी एक्ट किया वो मैं आप ही किया, क्योंकि कोरियोग्राफर सगा नहीं, थोड़ी बहुत कर ही ली थी एक्टिंग। अच्छा, तो मतलब इससे हमें ये पता लगता है नवजीत, मतलब इसीलिए शायद आपको मूवी का ऑफर भी आ गया है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मूवी के बारे में भी करेंगे बात थोड़ी देर के बाद, है ना। अच्छा, तो इसी के साथ अगर आप दो लाइनें गाने की सुना दें तो। हाँ जी। हो एक हफ्ते तो अपनी लड़ाई चल दी नहीं रुक होया याद बाड़ी आई कल दी एक हफ्ते तो अपनी लड़ाई चल दी नहीं रुक होया याद बाड़ी आई कल दी ताही मैसेज मैं करता दोबारा वे मिस यू इन्ना सारा मेरा तेरे बिना हुंदा नहीं गुजारा वे मिस यू इन्ना सारा। वेरी नाइस सॉन्ग, जितना टीवी पर अच्छा लगता है उतना ही रियल में भी बहुत प्यारा है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो अगर हम नवजीत आपके सिंगिंग करियर की बात करें, सिंगिंग करियर कैसे शुरुआत हुई, क्या बचपन से ही सोचा था कि एक सिंगर बनना? हाँ जी, बचपन तो मैं आई थिंक 4th class में सीगा, साढ़े गुरुद्वारा साहब एक मैं क्रॉस कर रहा सी, अंदर एक लड़का बैठा सी हारमोनियम लै के, बस मैंने देख के हुआ, मैं क्या मैं भी सीखना। अच्छा। फिर मैं घर गया, मैं क्या मैं भी सीखना म्यूजिक, फिर उन्होंने मैंने गुरुद्वारे भेजना स्टार्ट करता, मतलब उन्होंने कभी मैंने रोकया नहीं, हूँ तक सपोर्ट करते हैं। अच्छा। फिर उस तो बाद फिर मैं क्लासीकल ट्रेनिंग ली, डैड का बहुत साथ रहा ना, वो मैं लैके जाते सी, जिनी देर मैं सीखता सी उन्नी देर बाहर बैठते सी। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਅਗਰ ਆਪ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ
पापा को देंगे ना, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की, उन्होंने आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया। मॉम भी है साथ में। अच्छा, तो कभी भाई बहन को ऐसा नहीं लगा कि नवजीत को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है? मुझे नहीं, नहीं, सिस्टर है मेरे एक, वो बड़े है, अच्छा, मैरिड हो गए हूँ। अच्छा। तो उन्होंने भी हमेशा साथ दिता, हूँ तक देंगे ने, मतलब इदा के कोई आई थिंक जिन्हें मेरे रिलेटिव भी ने सारे ही मतलब मैं सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई इदा का मिलया नहीं कि ये गलत काम कर रहे हो या ये चंगा नहीं है, ये लाइन ठीक नहीं है। अच्छा। तो दूर ही रही इदा। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि आपके गुरु कौन रहे, जैसे गुरुद्वारा सीखने जाते थे तो क्या अभी भी वही हैं? नहीं नहीं, या फिर गुरुद्वारे जो ग्रंथी होंगे पहले उन्होंने सीखा कीर्तन, सीखा मैं कीर्तन किया गुरुद्वारे, बड़ा शौक सीगा कीर्तन करन दा। ते फिर उस तो बाद डैड ने म्यूजिक डायरेक्टर उस्ताद जसपाल सिंह जी, उन्होंने आप जाके लभ्या, तो कहिंदे तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी क्लासिकल। जो मैंने लैके गए उन्होंने कोल, तो सर कहिंदे कि ये तो बहुत छोटा है अजे ना, एज कुछ भी नहीं सी, सिक्स्थ विच बहुत छोटा सीगा, कहिंदे अजे छोटा है क्लासिकल ट्रेनिंग है, इहनूं समझ नहीं आउणी। तो डैड कहिंदे चलो तुसीं 10-15 मिनट लगा के देखो कि अगर ये गा लैंदा तो फिर तुसीं कर लो कॉन्टीन्यू। डैड चले गए तो उन्होंने जो सरगमा वगैरह कीतियाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ सरगमा। अच्छा। डैड आए कहते ओके इन कल तो ले आए हो तुसी। अच्छा। फिर उतनी उन्होंने देती थोड़ी सीखी ना। तो इन सब में स्टडीज़ का असर नहीं पड़ा कि स्टडीज़ पे असर पड़ रहा है? स्टडी चलती रही, मैं इंजीनियर हाँ वैसे। अच्छा। हाँ जी। प्लस टू की उस तो बाद डैड कहते हूँ गाने करने हैं कि करना है, मैं कहा बीटेक कर लेने हैं, सिंगर भी बाद भी बन जाएंगे, अगर सिंगर नहीं बने फिर नौकरी तो कर ही लवेंगे। अच्छा, बीटेक किसने करी? कंप्यूटर साइंस। अच्छा। हाँ जी, पास हो गई मतलब। अच्छा, नहीं फिर हम कह सकते हैं ना अगर इंजीनियरिंग कर ली तो मतलब नवजीत एक ब्राइट स्टूडेंट भी है। हाँ जी, हाँ जी है, ब्राइट स्टूडेंट है, ये एग्जाम तो एक दिन पहले पढ़ लेंगे। अच्छा, तो अगर हम आपके नवजीत पहले सॉन्ग की बात करें, हाँ जी, है ना, तो वो हर एक के लिए बड़ा स्पेशल रहता है। आपका फर्स्ट सॉन्ग आया 2015 में, 2014 में आपका फर्स्ट सॉन्ग आया, दिसंबर, आई थिंक दिसंबर में था। अच्छा, तो उस सब के लिए क्या प्रिपरेशन रही, पेरेंट्स ने क्या कहा कि उस टाइम आपकी क्या एज थी सबसे पहले? तो 22 का था आई थिंक मैं तब ना। अच्छा, मतलब आपकी एज का? अच्छा, आप मेरी एज रिवील कर रहे हो। अच्छी बात है, ज्यादा थोड़ी, मैं 30 थोड़ी ना बोली। जॉब करता सी ते नाइट शिफ्ट करता सी मैं, फिर मेरा ना दिल नहीं लग्या, 2 महीने की मैं रात के 12 बजे सी, मैं कह नहीं यार मैं किड़ा काम करना, तो किड़ा काम कर रहा, मैं लैपटॉप बंद किया, सर ने कहा मैं जॉब नहीं करनी। अच्छा। मैं चला घर, नैक्सट डे मैं डैड को कॉल की, मैं कहा मैं गाना करना है, तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई मैंने हमेशा, ऑलवेज कहते अच्छा ठीक है करना है, मैं कहा हाँ जी इन्ने पैसे दे दो, मैं इतों म्यूजिक करना, अच्छा ठीक है बंदे, मैं कहा हाँ जी ठीक है बिल्कुल सही है, चलो गाना हो गया, पहला गाना सी मुड़ा आजा सोनी, पवनीत सिंह बिरगी ने म्यूजिक किया, ऑडियो बन गया, फिर इस तो बाद डैड कॉल की, मैं डैड वीडियो बनानी, अच्छा कहते वीडियो भी बनता है, मैं कहा हाँ जी, मैं कहते भी पैसे लगने, तो कहते अच्छा किन्ने लगने, मैं क्या इन्ने लगने, अच्छा ठीक है बंदे, मैं क्या हाँ जी ठीक है चलो करा लो। अच्छा। वीडियो भी बन गया, फ्रेम सिंह ने वीडियो किया मेरा। अच्छा। फर्स्ट, फिर उस तो बाद गाना रिलीज हो गया जस रिकॉर्ड्स से, मैं क्या इतों रिलीज़ करना, कहते ठीक है बंदे। मैं क्या हाँ जी बिल्कुल सही है, गाना रिलीज़ हो गया, तो वो फिर PTC से नॉमीनेशन आ गई गाने दी, बेस्ट डेब्यू वोकलिस्ट एंड बेस्ट वीडियो, मैं एक्सपैक्ट नहीं किया इन्ना कद। ओके, अच्छा फर्स्ट सॉन्ग ही मतलब? हाँ जी। ओके। वो गाना बहुत वधिया, मतलब मैंने फर्स्ट सॉन्ग तो ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गया सी। दैट्स वेरी नाइस। उसके बाद फिर हौली 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 विच काफ़ी मतलब बैड टाइम भी आया, उस करके थोड़ा टाइम वेस्ट होया मेरा, पर हम सारा कुछ सही चल रहा है। अच्छा, अब आई विश हमेशा सही चलता रहे नवजीत आपके लिए। अच्छा, जो पहला सॉन्ग था तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक से रिलेटेड तो उन्हें थोड़ी कम प्रॉब्लम्स आती है, उनको थोड़े है ना ऐसा हो जाता है, लेकिन आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बिल्कुल भी म्यूजिक से रिलेटेड नहीं था, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स रही? प्रॉब्लम कोई भी नहीं रही एक्चुअली, ये बैकग्राउंड तो डिपेंड नहीं होता, ये उस पर डिपेंड होता कि थोड़े पेरेंट्स का नेचर कितना है, थोड़े ग्रैंड पेरेंट्स का नेचर कितना है, तो हूँ मेरा नेचर सेम मेरे डैड वर्ग है, तो मॉम का भी मतलब मिक्सचर है, तो मतलब पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, तो उन्होंने लगता कि मैं जो भी स्टैप चक रहे हैं वो सही है, तो मैं भी सोच समझ के स्टेप चक। ओके, अब बात हो रही है पहले गाने की, तो पहला गाना ना सुने ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी। तेरिया ही यादा विच खोया रहना वा, रातां नू भी उठ उठ रोज बहना वा, तू की जाने तेनू नी मैं किन्ना चाहना हाँ, मुड़ आ जा सोनी नी तेनू प्यार बड़ा करदा,
तेरे ना जहान मेरा तेरे बाजो नहीं सरदार। वेरी ब्यूटीफुल। मैं खुद ही लिखा सी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। काफी गाने मैं रोमांटिक सैड खुद ही लिखदा। ये मिसी उन्हें सारा शेरे ने लिखा सी। मतलब ये नहीं कि मैं अपने गाने गावांगा, जेड़ा वधिया लगूगा मैं गाऊंगा, अगे जेड़े आ रहे हैं वो मेरे अपने लिखे। अच्छा नवजीत जो आपका पहला गाना रहा वो नॉमिनेशंस में भी आ गया, सब कुछ हो गया है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद बीच में ऐसा थोड़ा गैप रहा कि इसमें आपके कोई गाने ही नहीं आए, वो उसका क्या रीजन आप देना चाहेंगे? एक्चुअली थोड़े बंदे गलत टक्कर गए सी। अच्छा। काफी क्योंकि मेरा गाना आया जी तू फर्स्ट वाला ना। हाँ। मैं लगे हूं अगे सब कुछ ईजी हो जाएगा ना। ओके। पता नहीं सी इंडस्ट्री का कुछ की किदां दी की ने, क्योंकि इंडस्ट्री दे विच आके हुण 4 साल हो गए मैनूं इंडस्ट्री च, हुण समझ आंदी कि अगला बंदा कुछ कह रहा ते उहदा मीनिंग की है। अच्छा। कि उह सही कह रहा कि नहीं कह रहा। उस टाइम इदां दा सी कि कोई भी कहिंदा सी हाँ असीं इदां करांगे, असीं इह करांगे, असीं टीम बनावांगे, असीं इदां शोज करांगे। मैं किसी नाल साइन कर बैठा सी। अच्छा। ते फिर उह बहुत टाइम वेस्ट होया, आई थिंक 2 साल मेरे वेस्ट हो गए। ओके। पंगियां चों निकलदे 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 टाइम वेस्ट होया बहुत, पर हम सब कुछ ठीक है। ओके ओके। फिर 2017 में आपके जो गाने आए ना, टुकड़े दिल दे और चंडीगढ़ गेरी, वो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। थैंक यू थैंक यू। है ना, तो पहले तो मैं आपसे सबसे ज़्यादा गाना सुनना चाहूँगी टुकड़े दिल दे। हाँ जी जरूर। टुकड़े दिल दे भी मैं खुद ही लिखा सी। अच्छा, मैं पूछने ही वाली थी नेक्स्ट कि किसने लिखा है, क्योंकि दैट बहुत डीप सॉन्ग हो गया ना वो। हाँ जी हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं कि मेनू कोई धोखा मिला है। अच्छा। मतलब मैं किसी दी फीलिंग से भी लिख सकता गाना। अच्छा। हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं रहा कि आपने कोई सॉन्ग लिखा हो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ना कोई नहीं कहा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो टुकड़े दिल दे की दो लाइनें। जे तू होना नहीं सी मेरा वे मैं मोड़ दी ना दिल तेरा, ओनू तोड़ तोड़ के हंस दी वे मैं रह जाना सी वसदी, हो टुकड़े दिल दे मेरे जिन्ने होए सी ओने टुकड़े तेरे दिल दे कर दी मैं, पता तेनू लगदा कि दुख टुटे दिल दा हुंदा, हाए रातां नू चैन नहीं ओ मिलदा हुंदा। हो That's very nice, Navjeet. Thank you, thank you. हाँ, तो अगर हम चंडीगढ़ गेड़ी की बात करें, वो गाना किसने लिखा? बड़ा ऐसा सा गाना ना जो यंगस्टर्स को बड़ा अट्रैक्ट करने वाला गाना। हाँ जी, वो हाँ जी। किसने लिखा? चंडीगढ़ गेड़ी गाना लिखा जी रिस्की ने। वैसे सीधी कॉल आई सी सानू कि मैं गाने लिखदा वा। हमेशा जो कॉल आती सानू कि असीं राइटर आ गाने लिखते हैं लिखते हैं, तो इन्हां कोल गाने मंगवा लैंदे कि है ना कि सुन लांगे। तो गाना वधिया लग्या, थोड़ा पैपी जिहा लग्या, और करना नहीं सी मैं गाना, बना के रख लिया मैं। तो फिर मैनूं ताजी मिलिया, तो फिर कहता आप गाना करना कट्ठिया ने कुछ करिए, फिर मैं ये गाना सुनाया, कहता है वधिया। फिर मैंने भी थोड़ा लगन लग गया वधिया, मैं पैपी सॉन्ग है ना, कोलैबोरेशन च वधिया लगूगा। तो फिर असीं गाना कर लिया, तो थोड़ा अच्छा मैनू इदां दा फील आने लग गया। अच्छा, तो इस जो सॉन्ग की वीडियो थी ना, वो भी बड़ी ऐसी लगी जैसे अब्रॉड में शूट हुआ। तो वो शूट है कहाँ पे एक्चुअली? चंडीगढ़ का शूट है जी। अच्छा, वो चंडीगढ़ का शूट है। हां जी, एक्चुअली असी पहले सोचे है कि चंडीगढ़ ते गाना, पर आपा चंडीगढ़ दिखाउणा नहीं विच। अच्छा। हां जी, ते इत्थे चंडीगढ़ मोहाली शूट होया सारा गाना। तो जो आपका चंडीगढ़ गेड़ी का भी वीडियो रहा, बहुत अट्रैक्टिव रहा। हां जी हां जी। जो लेटेस्ट सॉन्ग रहा मिस यू एनएसआर, उसका भी बहुत वीडियो अट्रैक्टिव था। तो उसका कांसेप्ट कहां से जाके आया? चंडीगढ़ गेड़ी का कांसेप्ट सारा जसप्रीत सी डायरेक्टर है, उन्होंने मतलब वो मेरा कोई नहीं सीगा विच सजेशन, वो सारा उन्होंने बनाया सारा वीडियो, तो वधिया बन गया। वो जिदा जिदा कहते गए आप करते गए है ना। मिसी होना सारा वीडियो विच सारे दा साथ सीगा, जिन्हें भी यार दोस्त सीगे सारे ने कोऑपरेट किया, क्योंकि यदा कोई प्लैन नहीं सीगा प्रॉपर वीडियो का है ना, कि आप वीडियो करना है। एक दिन पहले प्लैन होया, तो अगले दिन शूट कर लिया आपका। अच्छा। वीडियो बनी सिंह उन्होंने, वो डायरेक्टर ने बहुत वधिया, उन्होंने एडिट भी खुद किया। तो विद इन 2-3 डेज सानू वीडियो फाइनल मिल गया। तो मैं कह टीवी रहन दो, वैलेंटाइन डे आप रिलीज़ करता से एक दिन पहले। ओके ओके। वो करके भी काफ़ी पुश मिला गाने में। हाँ जी, कुड़िया ने बहुत वीडियोज, हाँ मैं काफ़ी अपलोड भी कीतियाँ। हाँ हाँ। तो नवजीत, जैसे कि हम आपके करियर की बात कर रहे थे है ना, तो ये जो 3-4 साल थे आपके इंडस्ट्री में रहे हैं, तो इसके अंदर नवजीत ने सबसे ज़्यादा क्या सीखा कि ये गलती रिपीट नहीं करनी? इंडस्ट्री में यही है कि जो थोनों सही लगता तुम वो करो, अगर 10 बंदे थोनों आके 10 सलावान दे रहे हैं तो तुम हाँ कुछ ठीक लगता तो सोच सकते हो बारे, पर जे तुम
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੋ ਜੋ ਆਪਕੇ ਸੌਂਗਸ ਥੇ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭੀ ਮੇ ਨਾ ਜੇਮੀਤ ਕਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਜੇਮੀਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਤੋ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਆਪਕੀ ਕੁਛ ਦੋਸਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੇਮੀਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੋ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਆਪਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਸੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਕੇ ਸੌਂਗਸ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਕੇ ਜੈਸਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮੈਮ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤਨਕ ਜੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਵਧੀਆ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾਣਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜੀ ਟੋਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਅਬ ਜੈਸੇ ਹਮਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਅਬ ਕਰਤੇ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਆਪਕੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਛ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਮੂਵੀ ਹੈ ਕਪਿਲ ਬੱਤਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸਕੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੰਗ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੰਗ ਵੀਰ ਲਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਤੋ ਨਵਜੀਤ ਕੈਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਐਸੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਸੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਮੇ ਆਨੇ ਕਾ ਤੋ ਆਪ ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੈ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋ ਵਿਦ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਮਿਲੀ ਫਸਟ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ 1-2 ਦਿਨ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਬਿੰਗ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੌਂਗਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਗਾਣੇ ਆ ਫਿਲਮ 'ਚ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ 2 ਯੰਗ ਵੀਰ ਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੇਮੀਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਗਾਣੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਸੁੱਖੀ ਸਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਝੇ ਇਸਕੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਤਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਉਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ ਯੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਓਕੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਤੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਗੇਮਸ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮ ਖੇਲਤੇ ਹੈਂ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਐਵਰ ਗੇਮ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕੈਮਰਾ ਕੋ ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਖਾਨਾ
नहीं किया तो नेवर दिखाना, ठीक है? ओके चलो करें शुरू। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, कभी किसी को आई लव यू बोला हो एंड उसका मतलब मन से मतलब नहीं था आई लव यू का पर बोल दिया दिल रखने के लिए? मैं राज खुलवा रही हूँ आज नवजीत के। नवजीत बहुत कंफ्यूज है लेकर, तो इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं हम क्या आंसर होगा। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं आगे कुछ पूछूंगी नहीं, इट्स ओके। नहीं अपनी मतलब अपनी फैन में बोल रहा सी तू ना? अच्छा हां, मतलब काफी मैसेजेस आंदे सीगे तो मेनू मतलब दे मैसेजेस तो लग रहा है कि उसकी हालत बड़ी खराब है। अच्छा फिर मैं तो दिल रखने के लिए चलो कोई बात नहीं, किसी का बनता है। हां चलो इतना तो बनता है। चलो सेकंड क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ किसी को प्रैंक कॉल की हो? कभी नहीं की प्रैंक कॉल। अच्छा चलो थर्ड क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ कि किसी मीटिंग में गए हो और बिल्कुल नींद आ गई हो कि यार ये क्या बोल रहा है? कौन सी मीटिंग में बहुत बड़ी नींद आंदी? मेनू घट आंदी, मेरे नाल देनु ज्यादा आंदी। अच्छा अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी क्लब में गए और वहां पे हरकतें कुछ ऐसी क्योंकि बाहर उठा के फेंक दिया क्लब वालों ने या फिर रेस्टोरेंट ने? नहीं, मैं क्लब बहुत घट जाना। अच्छा मतलब नवजीत बहुत सोफिस्टिकेटेड है। नहीं नहीं, मान नहीं करता क्योंकि क्लबिंग पहले बहुत कर ली थी दिल्ली से ना, हूँ तो मन नहीं करता। अच्छा अगर नवजीत बात की जाए, किसी को कभी फेक फोन नंबर दे दिया हो, ऐसा कभी हुआ? नो कभी नहीं। ओके कभी ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स ने कोई ज़्यादा एम्बेरसिंग सी वीडियो डाल दी, उसके बाद आपको बहुत फील हुआ कि फ्रेंड्स ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड्स बोलते हैं ना बड़े तेज से कुछ भी डाल देते हैं। मैंने पूछ के कभी कोई पूछ के सारे पांदे मतलब बिना पूछे नहीं कभी। अच्छा सिंगर हां कोई ऐसे करता पा दे। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि नवजीत को ये कॉम्प्लीमेंट या फिर ऐसा सुनने को मिला हो कि नवजीत आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो? कभी भी नहीं, हमेशा एक के साथ बहुत स्वीट रहते हो, तभी फैन को बोल दिया ना आई लव यू। हां जी। अच्छा रिप्लाई मैं सारे ने करता। अच्छा हाँ जी, चाहे 100 मैसेज चाहे 200 में रिप्लाई, अच्छा। मतलब टाइम काट के कर देना। ओके दैट्स वेरी नाइस। हाँ जी तो नवजीत अपना हम नेक्स्ट गेम खेलते हैं रैपिड फायर, ठीक है? जल्दी से आंसर देना, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका जो क्लोजेट है उसमें सबसे ज्यादा आपका फेवरेट कोई ऐसी चीज, फेवरेट? नवजीत बोलो। कपड़ों से प्यार नहीं है नवजीत को? वॉच। वॉच अच्छा सबसे ज्यादा प्यारी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी किससे सबसे ज्यादा बेस्ट एडवाइस मिली हो वो क्या थी? प्यार दे चक्करां च नहीं पैना। अच्छा फेवरेट मूवी? गजनी। अच्छा आपके फोन में सबसे ज्यादा रीसेंट कॉल किसी की अगर हुई हो तो वो कौन है? मॉम। अच्छा सोच समझ के बोला मतलब झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं काउंट कर रहा था। अच्छा फेवरेट आजकल का गाना जो बहुत ज्यादा सुनते हो प्लेलिस्ट में? विदाउट यू जसमानक। अच्छा कभी ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो पर अगर हो कि घर में आग लग गई तो ऐसी कौन सी दो चीजें होंगी जो आप अपने साथ लेके जाओगे? मॉम डैड। ओके अच्छा अगर कभी आपको कोई सुपर पावर मिले तो वो आप कौन सा सुपर पावर लेना पसंद करोगे? इनविजिबल। अच्छा इनविजिबल, कहाँ जाना चाहते हो? जिथे मन की था। अच्छा अब आपको ना इन मैं आपको कुछ चीज़ों के नाम बताऊंगी, आपको उनको 1 2 3 करके जिस हाँ रैंक करना है आप प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपने आप को, पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को। तो थर्ड नंबर थे मैं, फिर फ्रेंड्स, फिर नंबर वन मॉम डैड। अच्छा उसके बाद प्यार, पैसा या फिर हेल्थ? नंबर वन हेल्थ, फिर प्यार, फिर पैसा। अच्छा उसके बाद गुड फूड, गुड कार या फिर गुड हाउस? ये सारे नु पहले नंबर दे। अच्छा मतलब अब जब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा तो आपने बोला कि हाँ बहुत सोच समझ के जवाब दिया कि वॉच है मेरी फेवरेट, तो अब आप बोल रहे हो कि तीनों चीजें पहले नंबर पे। हाँ सही है, जो दिल कितना बोलता जी। अच्छा रैपिड फायर है। हाँ तो इसी के साथ है ना हम गेम खत्म करते हैं और बहुत मजा आया नवजीत आपके साथ। जाते जाते आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं एक गल कहना हमेशा इंटरव्यू तो बाद कि अगर तुसी वधिया सुनोगे तो असी वधिया गावांगे है ना, तो अगर वधिया नहीं सुनोगे तो फिर असी नहीं गावांगे, तो तुसी बस सानू रिव्यूज दे दिया करो कि ये गाना जड़ा भी असी करते हैं किदां दा लग्या किदां दा नहीं, तो हमेशा ही ट्राई करो कि वधिया आर्टिस्ट नू सपोर्ट करो, तो जिहड़े वधिया आर्टिस्ट
मतलब ऑब्वियसली सारे वधिया होंदे ने, पर कई बार लोग इदा के आर्टिस्टा प्रमोट करते हैं जिन्हों का वजूद नहीं है कोई इंडस्ट्री ना, तो फिर चीज़ा देख के ना सूँ अपने आप से थोड़ा फील हों कि असी इन्ना वधिया काम क्यों कर रहे हैं ना। तो बस यही कहना कि वधिया काम नू बस अप्रीशिएट करो। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सभी से विदा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे इन स्वैग।